नमस्कार। इस वक्त हम सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत परमानंदपुर पंचायत वार्ड नंबर 6 में उपस्थित हैं और इस समय हमारे साथ यहां वार्ड नंबर 6 के अनेक ग्रामीण जुड़े हुए हैं। और बता दूं कि 2017-18 बीते वर्ष 2017-18 में यहां पे जम के भ्रष्टाचारी किया गया है, एक सड़क से जुड़ी मामला है। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से हम जानकारी लेते हैं और उन मामला को प्रकाश में लाते हैं कि पूरी सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रफुल्ल चंद्र मिश्र हुआ। इस सड़क के विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? ये जो है मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से जो है पास हुआ था 2017-18 में, उसमें जो है इस योजना का जो है कार्य 2017 से ही 2023 बीत रहा है। इसमें बार बार वार्ड सदस्य को कहने पर, वार्ड सदस्य गुलाब देवी पति प्रमोद मंडल, बार बार कहने के बावजूद इस रोड पर जो है किसी तरह का जो है इस सड़क सात निश्चय योजना पर किसी तरह का अमल नहीं किया गया। कहा गया जो नहीं ठीक है, जो है मैंने कल कर देंगे, परसों कर देंगे, अब हो गया। हमको पता चला जो योजना का रुपया 2,49,500 कुल रुपया PWD रोड से लेकर के उग्र नारायण मिश्र के घर के आगे तक का काम पास हुआ था 2017-18 में। उस समय के वार्ड सदस्य कौन थे? उस समय के वार्ड सदस्य जो गुलाब देवी पति प्रमोद मंडल थे। अभी आप लोगों का आरोप इससे पूर्व में जो वार्ड सदस्य थे उनके ऊपर है या वर्तमान वार्ड सदस्य को? नहीं, जो पूर्व में थे गुलाब देवी पति प्रमोद मंडल उनके ऊपर है। इसलिए है वो भी हम लोग इसलिए चुप थे जो भाई बन जाएगा, सब ग्रामीण है, सब अपना ही लोग है, तो ठीक है बन जाएगा। लेकिन जो है इस बीच में फर्जी एमबी बना करके जो है ब्लॉक में दिया गया, जो कि हमको मुखिया जी से पता चला। जब पंचायत वहां पर जो है मीटिंग आम सभा जो होता है, उस आम सभा में हम जाते हैं पंचायत भवन में गए तो पता चला जो इसका फर्जी एमबी बना करके जो है 2,49,000 का माने जो है PWD रोड से लेकर के उग्र नारायण मिश्र के घर के आगे तक जो है 2,49,500 रुपया का कार्य पूर्ण हो चुका है 2017 में। हाँ, और ये एमबी जो बना के दिया गया है ये वर्तमान वार्ड सदस्य के द्वारा दिया गया है? नहीं, वह पूर्व में जो था उसके द्वारा दिया गया है, गुलाब देवी के द्वारा दिया गया है, पति प्रमोद मंडल के द्वारा दिया गया है। जो मैंने यह रोड जो है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो फिर भी सड़क का कार्य अधूरा है। कुछ हेबे नहीं किया है, काम हुआ ही नहीं है जो आपके सामने में है, आप देख रहे हैं। सारे लोगों से पूछा जाए, सारे ग्रामीणों से पूछिए जो क्या हुआ है नहीं हुआ है, आप नहीं देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक एक जो है। आप लोगों का आरोप है कि 2017 में यहाँ की वार्ड पार्षद के द्वारा, वार्ड सदस्य के द्वारा इस सड़क का योजना पास कर लिया गया था, इसका योजना भी पास था और बजट राशि लोग उठा के डकार लिए। तो उन्हीं का आरोप है कि इस सड़क अभी तक इसका कार्य जो नहीं किया गया है, ये कार्य हो। तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो में एक बार स्पष्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। यही सड़क है, 3.5 फीट लंबा सड़क है, वार्ड नंबर 6 परमानंदपुर पंचायत वार्ड नंबर 6 में हम मौजूद हैं। और देखिए इस तरह के यहाँ पे ग्रामीणों के किस तरह का आरोप लग रहा है। और जरा आप सोचिए कि 2017 में जिस योजना को पारित किया गया था उनके राशि को उठा के वार्ड सदस्य ने डकार लिया और अभी तक यहाँ पे कार्य तनिक भी नहीं किया गया है। जिस बात को लेकर के ग्रामीणों में, यहाँ के वार्ड के जितने भी यहाँ के ग्रामीण हैं, इन लोगों में आक्रोश है कि ये सड़क का कार्य जो आने जाने में हम लोग को दिक्कत। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इस मामले को आप यहाँ के जो मुखिया है, यहाँ के वर्तमान मुखिया को उसके प्रकाश में दिए? दिया गया है, मेरे द्वारा तो नहीं। मुखिया जी के द्वारा क्या आश्वासन मिला है सड़क को लेकर? ये प्रफुल्ल जी बताएंगे, ये हम तो खुद नहीं गए थे, लेकिन मेरा भतीजा है। आप लोगों की मांग क्या है सड़क को लेकर? सड़क बनना चाहिए, सड़क का कार्य पूर्ण हो गया, सड़क बनना चाहिए। यहाँ आइए सर, क्या कहना चाहिए? सड़क का तो यह स्थिति है जो इसमें हम लोग सब शुरू से देख रहे हैं, ऐसा ही है। अब इस पर काम क्या हुआ है नहीं हुआ वो तो खुद आपको पता चल रहा है, जो कोई भी इस पर ईटा अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है और ये काम तो अभी भी अधूरा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत वार्ड नंबर 6 में है और यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा किस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि 2017 में जिस योजना को, इस सड़क की योजना को पास किया गया था, उन योजनाओं के राशि के किस तरह से गमन किया गया और जिनको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी उग्रता है, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ जलजमाव की समस्या बन जाती है और यहाँ के ग्रामीणों को चलने में, आवाजाही में काफ़ी परेशानी होती है। तो हम जिलाधिकारी, सुपौल जिलाधिकारी से आग्रह करेंगे कि इस मामले का
आप जांच करें और ये जांच का विषय है और इस मामले में क्या कुछ सच्चाई है उनको सामने लाएं और इनमें जो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लिप्त हैं और जो भी सच्चाई है उनको सामने लाकर उन पर तत्काल ठोस कार्रवाई करें और इस सड़क के कार्य को जल्द ही आरम्भ करें। तो यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे और खास करके कैसा क्या आप लोगों का प्रतिक्रिया है? तो हम चाहेंगे कि राघोपुर प्रखंड के जो भी पदाधिकारी हैं अन्य लोग भी इस मामले को जल्द संज्ञान में लें और तब तक के लिए आप बने रहिए, हम जल्द वापस आते हैं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।